कंगना रनौत का 23 मार्च को जन्मदिन होता है। कंगना 33 साल की हो गई हैं। कंगना रनौत अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना रही हैं। कोरोना वायरस के चलते वो अपना जन्मदिन मनाली हाउस में मना रही हैं। इन दिनों वो फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं। यहाँ वो अपना खाली समय किताबों के साथ बिता रही हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें वो अपने घर के गार्डन में धूप का मज़ा लेते हुए किताब पढ़ रही हैं। बता दें कि कंगना को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। वो अक्सर किताबों के साथ खुद को बिजी रखती हैं। एक साल पहले ही कंगना ने मनाली में अपने लिए बनवाया है बेशकीमती घर। कंगना ने करीब 10 करोड़ में जमीन खरीदी और वहां आलीशान कोठी बनवाई है। कंगना के इस घर में कुल 8 कमरे हैं। उनके घर की हर एक खिड़की से पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। भले ही वो मुंबई में काम करती हों लेकिन उनका दिल अब भी हिमाचल में बसा है। कंगना खुद को अपने होम टाउन से खुद को जुड़े रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मनाली में अपने लिए खूबसूरत सा घर बनवाया है। आपको बता दें कंगना का ये खूबसूरत घर काफी महंगा है, इसके लिए उन्होंने 30 करोड़ की रकम चुकाई है। कंगना ने मनाली में मेंशन यानी बड़ा बंगला बनवाया है। उनके बंगले को बनाने में बेशकीमती लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। कंगना के हर कमरे में अलग अलग बालकनी भी है। वही उनके घर के रूफटॉप को ग्लास से कवर किया गया है जिससे सर्दी में हल्की धूप बनी रहेगी। कंगना के बंगले को बनाने में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला का ध्यान रखा गया है। साथ ही ये घर है पूरी तरह से इको फ्रेंडली। कंगना के घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की व्यवस्था की गई है। इस बंगले के लिविंग रूम में ठंड को देखते हुए एक फायर प्लेस भी रखा गया है। इस घर को शुभम गुप्ता ने डिजाइन किया है। ये यूरोप के विंटेज बंगले की याद दिलाता है। कंगना को हैंडीक्राफ्ट का काफी शौक है, इसलिए उनके घर में मनाली के लोकल हैंडीक्राफ्ट का काफी कलेक्शन देखने को मिलेगा। कंगना एक फिटनेस फ्रिक एक्ट्रेस है, ऐसे में उनके घर में अलग से ही जिम एरिया देखने को मिलेगा। कंगना अपने बेहद बिजी शेड्यूल के बावजूद अक्सर अपने होम टाउन आती हैं। कंगना ने अपने घर में अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करवाया है। कंगना फिलहाल फिल्म थलाइवी की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म से उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।